घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, हमारी याद आ जाती तो होगी, हमारी याद आ जाती तो होगी, अचानक वो तड़प जाते तो होंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये सिंपल शेर है लेकिन ये नगमा और ये गजल मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रेज ऑफ दी नेशन बन गया था पूरे हिंदुस्तान का। उस वक्त इतने ज्यादा खराब नहीं थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में भी ये मशहूर हो गया था। अब तो क्या कहने, ये जो आज हम आप लोग दे रहे हैं कि सब लोग माशाल्लाह अच्छे लिबास में हैं, हमारा लिबास अच्छा नहीं है, खास नहीं है कि जो इस ओकेजन पे लिबास होना चाहिए नहीं है, हमारा मन बहुत दुख बहुत। इसके लिए हम जैसे आज आप साहबान सब लोगों ने सोचा मुझे अवार्ड तो भी मर सकते का, तो मैं सबसे कि हम कोई क्लैपिंग वगैरह कोई वो नहीं, वो ले लेंगे और आप कुछ फोटो वगैरह ले लीजिए और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, तो ये आज का जी बिल्कुल ये नहीं जनाब, आपका तो बल्कि उर्दू पे एहसान है कि आपने फिल्म में कोई फिल्म बनना किसी या किसी के शायर की लाइफ पर फिल्म बन रही है या अदीब की, लेकिन नहीं ये हम इस बाजार फिल्म में ये बकायदा एक फिल्म में वो इस तरह वो वो के अब देखिए देख लो आज हमको जी भर के कोई आता नहीं है फिर मर के, वो सिचुएशन पे ऐसी सिचुएशन पे फिल्म बाजार में आया कि पूरा हॉल औरतें मर्द तो जब ये गाना आया तो औरतें रो रही दूर दूर से और बड़ी इतना असर होता था, वो भी उठ के रोने लगा और सबको बोलता ये मेरी मम्मी ने गाया। रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, अब देखी नहीं क्या गाया, रही ना गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई जुबां मेरी। क्या बात, क्या बात, तो ये जब मीर तकी मीर लखनऊ कहीं तशरीफ ले गए, उनकी लखनऊ तो खैर आई 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 शिकोल साहब मिसेस शिकोल साहब और कुमसार साहब हाँ जी बिटिया आई आई बिटिया रुखतार हो बिटिया हमारी बिटिया रुखतार आई है रुखतार जी हैप्पी बर्थडे अंकल ये हमारी बिटिया हो रुखतार जी आप बिटिया कैसे हैं बहुत बढ़िया बहुत ही बेहतरीन कैसे मेकर अवार्ड कर दे कैसे राइटर कैसे डायरेक्टर दुनिया जानती है अवार्ड कर लेते कैसी कोई भी उन्होंने बनाई प्रोड्यूस की क्या बात है आप फिल्म हां बताओ मुनीर हो जाए उर्दू मरकज की टीम का आपका और आंटी का प्लीज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शॉल ये कर दें रूनुमाई ताकि ये छोटी सी रस्म जो है वो हम थोड़ा पीछे हो जाएगा ये चाहिए हाँ ये थोड़ा सा ये ताकि वो पीछे मीडियम ये आ जाए ताकि क्या चीज है आवाज़ें बॉडी में जी जी एक मिनट पहले इस पर कर लें ये एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये
पेंटिंग की है तो इसी पे जो है वो पहुंचे ने उर्दू बैकग्राउंड के लिए चाहिए जी 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 दोनों मतलब इंग्लिश और उर्दू वाले जी मैं ही पकड़ लेता हूँ अब मेरे पास अल्फाज की बिल्कुल कमी हो गई है मैं किन अल्फाज से आप सबका शुक्र अदा करूँ और ये जो भी हादसा हुआ पुलवामा में उसने पूरा आपने जोर किया कि मैं कभी इतना कभी तैयार होता हूँ तो ठीक ठीक से तैयार हो जाता हूँ आपने नोट किया मैं वो खयाम आज तैयार नहीं हुआ जैकेट नहीं पहना इसलिए कि फुलमामा से आप उदास है और जी, जी, शोक में हम सभी शोक में हम सभी शामिल हम कोई तैयार होकर नहीं आया बिल्कुल बहुत ऐसे ही फिर बिल्कुल लेकिन आपका आपका पैदाइश आपकी विलादत नहीं भूल पाए आपका तक मौजूदगी होना हमारे साथ थोड़ा नीचे बंद कर वो मुझे शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू हाँ बिल्कुल ये उर्दू मरकज की जानिब तो सब लोग इसको ये हाथ लगाइए भाजी आपके हाथ लगाइए मैं भी यही ले आई थी थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा नीचे सर तुम्हारा भी बोके मंगो जी हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे और ये थोड़ा सा ऊपर ये नीचे रखे सेटिंग होनी चाहिए यहाँ को बेटा वहाँ बस वो भी सुना देता हूँ आप जी फरमा रहे हैं तो ये कमाल कमालिस्तान में हम लोग सिटिंग किया करते थे शाम को वहाँ पहाड़ियाँ थी जंगल था और शैक्स बनाए हुए थे कमाल साहब का एक बहुत बड़ा शैक एक हमारा जिसमें म्यूजिक और स्टाफ वगैरह और टेलीफोन वगैरह सब तो वहाँ काम किया करते थे वो शाम को फिर जब होते थे कि वहाँ ख़तरा होता था कि भाई जंगल है उसमें भेड़िया वगैरह आ जाए और सांप आ जाते हैं उस सब को पता तो शाम को उठकर आ जाते तो एक हमारे एक और मैं बात बताऊँ हमारे पास गाड़ी नहीं थी एक शाहाना किनकी शान होती है कमाल अमरोही साहब अपनी मर्स भेजा करते थे गाड़ियाँ और भी थीं लेकिन वो और गाड़ियाँ नहीं भेजी मर्स भेजते थे हमारे लिए हमें छोड़ने आए तो ये कब की बात है खयाम साहब कौन से सन की बात है ये बहुत 84 83 तो कभी कभी फिल्म का म्यूजिक आप मैंने कह दी मैं हाजिर हूँ तो उसका नगमा अभी मैंने कहा आप लिखे उनकी नज़म है ये वैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल था उनकी जो शायरी की किताब है उसका नाम है तलखियाँ उसमें ये नज़म है ये आपका मौसीकार नज़म ऐसी नज़म अल्लाह ने तौफीक नहीं दी ऐसी नज़म को मौसीकी में ढाले ये कमाल साहब का कहना है कि नज़म को आपने जो बनाया क्या कर भरा तो ये नहीं ये पूछ रहे थे कि आपके पास कौन आया था एदी लिनादा की रिकॉर्डिंग रात के 2 बजे आपके घर के दस्तक वो आके अब ये गाना अब ये कमाल साहब के यहाँ फिल्म रज़िया सुल्तान का नगमा रिकॉर्ड हो गया ऐ दिले नादा ऐ दिले नादा पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मच गई के
एक जुबा हो कसम करके ऐसा नगमा कभी रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, उसी कॉम्बिनेशन वो सारा। तो रात के कुछ डेढ़ दो बजे बेल बजी, जगीर जी मैं हमारा बेटा प्रदीप सब जाके इस वक्त कौन आया डैडी, वो जंजीर चढ़ा के देखिए कौन आया इस वक्त। देखा तो जया बच्चन जी अच्छा बाहर तशरीफ फरमा है और सुल्तान अहमद साहब की बेगम साहबा उनके साथ हैं, खैर वो बड़ी तहसीब वाली हैं जया बच्चन जी। तो वो अपने आए कि माफ़ कीजिए मैं इस वक्त बेवक्त आई हूँ, लेकिन अमित जी का कहना है मुझे इसी वक्त ए दिले नादाम नगमा जो रिकॉर्ड हुआ है फिल्म रजिया सुल्तान में, मुझे इसी वक्त सुनना है। रात के दो बजे रात के दो बजे पूरा दिन में शोर मच गया था। तो हमने माजरत चाही कि जय जी इस वक्त नगमा वो तो कमाल साहब के लॉकर में है उनके घर पे, अच्छा हमारी बात नहीं है। तो सुबह इंशाल्लाह हम ये नगमा पेश करेंगे। तो हम कमाल अमरोही साहब के दर दौलत पे गए, उनके साथ उनको ये माजरा सुनाया कि ऐसा ऐसा, तो वो फिर क्या कहने, वो तो शहनशाह इंसान, और उनको फौरन अपने स्टाफ को दिया कि रहो टेप बनाओ नया बहुत अच्छा टेप बनाओ अमित जी के लिए, और वो अमित जी को पहुँचाओ। वो मेरे बेटा प्रदीप लेके गया, उन्होंने सुना। उसके बाद ये जो फिल्म कभी कभी आई है मेरी पास, उस वो नगमा सुनने के बाद आई। मुझे नहीं मालूम कि अमित जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कुछ ऐसा ही कहा होगा कि हमारा कभी कभी का जो म्यूजिक कंपोजर हो वो जो। तो ये इन शब्दों के साथ सबको श्रद्धांजलि दूँ, और ये जो वाकया हुआ पुलवामा में उसका बहुत रंज है, बहुत रंज है हमें। हम किस तरह ये बयान करें, लेकिन भारत सरकार सुलझाएगी इन मसाइल को इंशाल्लाह। थामना मित्र मौला भाई नाजी लिया आपने कयान साहब ये आपके लिए सर, आपके लिए आज खास सर यहाँ पे आप भी ये वापिस वापिस कर लो मैडम ये बाटिया अरे डिस्प्ले पीछे लेना कैमरा पीछे बात कराते हैं बैठो बैठो मैडम जी आप बैठ के तो हटाओ जी मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दुआएं आपका साथ रहा ये खयाम 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 जो है ना वो आपकी आवाज़ है आप लोगों की आवाज़ है ये आप लोगों ने हक अदा किया जिस तरह हमने चाहा आपने ऐसा अदायगी कर दी आपकी आवाज़ अल्लाह ने ख़ास तौर पे ईश्वर ने वाहेगुरु जी ने हेवन से जैसे बनाई है आपको कल वैसे लता जी आपको ना मैं हमेशा माँ कहता हूँ सरस्वती माँ हैं आप माँ हैं हमारे मन में आपका मर्तबा माँ का मर्तबा है आप आपने हमारे पूरे
वो तो है ही, सब भारत जानता है, भारत रत्न है ही, इससे भी पदवी कोई बड़ी हो वो आपके लिए ईश्वर बना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जगजीत जी आपसे नमस्कार आपको कर। हेलो लता जी, नमस्कार जी। आपने इतने प्यार से ये याद किया हमें, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, बहुत बहुत शुक्रिया है। जी थैंक यू सर जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी 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 जी। और आप ठीक है ना? अच्छा, कभी मुलाकात होगी फिर? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी जी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी 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 जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बेटा। ये क्लोजअप करके एक मिनट, ये दीदी ने ले लेते हैं चार्ज करके। Excuse me, madam. एक नहीं, सुन लिया कि ये 93 में कदम आ गया और हमने और जगजीत जी ने, ये आप पीछे देख रहे हैं, केपीजे चैरिटी कायम कर दिया है। 3 साल से ये 2.5 लाख रुपया सब कुछ आता है और इंशाल्लाह हम हमारे पास फंड आ जाएंगे केपीजे के, और हमारी ख्वाहिश है कि हम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 5 लाख रुपया भेजा करें, और जो जो ट्रस्ट में पैसा आता जाएगा ये राशि बढ़ जाएगी और ज़रूरतमंदों का ये हम कोशिश करके खिदमत करने की कोशिश करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिन भर में इतने टेलीफोन किए, कहाँ कहाँ से टेलीफोन किए, और आप लोग सब तशरीफ लाए हमारे गरीब खाने पे। छोटा सा ये गरीब खाना है लेकिन आप फिर भी आए, बहुत प्यार से आए, और हमें अगेन एक नेशनल सॉन्ग मैंने भारत सरकार के लिए रिकॉर्ड किए थे, उनके एक एक पंक्ति सुनाता हूँ, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। साहिल अदवानी साहब ने नज़म लिखी, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, वतन की आबरू खतरे में है होशियार हो जाओ, हमारे इम्तहान का वक्त है तैयार हो जाओ। और जानसार अख्तर साहब अपना नज़्म में नेशनल सॉन्ग में लिखते हैं,
एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपनी जमीन, एक है अपना गगन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन, एक है अपना जहां, एक है अपना वतन। हमें हमारे अपने सभी अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी सुख एक हैं, अपने सभी गम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। ये बस पैगाम हमारा और सबके लिए। खयाम साहब, अभी देखा गया कि जो पुलवामा अटैक हुआ है तो उसको देखते हुए आपने सालगिरह बड़ी सादगी से मना रहे हैं, आप लोग आके आपको बधाई दे रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? पुलवामा में जो अभी हुआ अटैक, बहुत अफसोस के बारे में, उसके बारे में यू है। सही मानों में तो हमारी भारत सरकार को टैकल करेगी। इजाजत हो तो साहिल साहब की कुछ पंक्तियां सुनाऊं आपको? जय फरमाए। साहिल साहब ने लिखा था कि क्या मोल दोगे उन जवानों के खून का जिस पे हम मरते थे, वो सजा याब क्यों हुए। ये साहिल साहब ने लिखा था हमारे जवानों के लिए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है वो बड़ी सादगी से मना रहे हैं, आप आज का जन्मदिन आप इस पे बताइए, आप क्या बोलना? उनका कहना है कि आप बहुत सादगी से आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप हम दोनों का लिबास देख रहे हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल में इतना कोई ऐसे खास हो के इनके ऊपर ऐसा लिबास, सिंपल लिबास आपने नहीं देखा होगा। हमारा दिल नहीं किया लिबास बदलने को, हमारा दिल एकदम जी हमारे, मैं समझ सकती हूँ सर। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं जी, उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। हमें बहुत रंज है, बहुत रंज, बहुत दर्द होता है ये सब देखकर और सुनकर। और कुछ पूछना? क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में अभी रिसेंटली? हाँ जी, ये निकाल लूँ जरा, आपकी तकलीफ कम हो जाएगी सर, क्योंकि सर काफी क्या सर काफी लोग भूल जा रहे हैं लेजेंडरी एक्टर्स को, जैसे कादर खान के टाइम पे भी सभी भूल गए थे। उनका कहना है पुराने जितने किरदार थे इंडस्ट्री में, एक्टर्स कह लीजिए, संगीतकार कह लीजिए, मौसीकार, नगमा निगार, पुराने जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनको लोग भूलते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल नई से नई कहानियाँ बनती हैं, नई से नई किरदार, और जिस तरह की पिक्चरें, जिस तरह की कहानी मिलेगी, लोग याद ही रह जाती है। अब जो बड़े बड़े जुनून की बहुत खिदमात है, वो सीरीज़ में जो पिक्चरें पुरानी कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो उसी में मिलेंगे। अब ये इसका हल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की पिक्चरें बनेगी उसी तरह का काम होने वाला है, और लोग जब पुरानी पिक्चरें आती हैं, पुराने नगमात आते हैं, यकीन वो लोग नहीं भूलते और उसको याद करते हैं, वो याद रखेंगे। ओके सर, इसी के साथ में सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सर, इसी के साथ में 93 वर्ष हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन 93 वर्षों को? 93 आपने आज के इसमें 93 साल के आप पूरे हो चुके हैं जी, तो इन बीते हुए सालों के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सफर है आपका, सब याद भी है आपको, पूरे और आपको याद भी है सब। और मैं अपने पूरे भारत माँ का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह का, ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ,
भारत में मैंने काम किया, अपने भारत में और अपनी मौसीकी के लिए, अपने नगमात के लिए पूरी दुनिया में नाम खयाम 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 हो गई। तो ये बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद मैडम। हाँ चलिए, त्यांना जरा टाइम द्या प्लीज। साहेब इकडे समोर लीजिए आप। अरे आपका मोबाइल आ रहा है यार। अरे थोड़ा लाइव मिल रहा है, वो शूट कर रहा हूँ जी। पहला गाना सैम साहब, तुम्हें तुम तो नो यू दे जबी तेरी बजने लाती है हमें। अब उसके बाद पता नहीं फयाम साहब ने 25 टेक करवाए मेरे साथ। भाभी जी ने कहा फयाम ने बस करो अभी। शर्मा जी नहीं बोला होगा लेकिन वो कमाल का एक और क्या बात है। आप लोग ये खयाम जो बैठा हुआ है, आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी कामयाबी में, हमारी जिंदगी में। आप लोग हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, हमारी कामयाबी का हिस्सा हैं। आप लोग वो हस्तियां हैं, तो आप लोगों से आप जहां दुनिया में जाते हैं काम करना हम चाहते थे, लेकिन अब वो सकत है ना। जैसे अल्लाह की तरफ से इशारा है कि नहीं वीडियो लगा था ऐसे वही तो उससे फूल भी है तो इजाजत है तो इन्हीं का वो नगमा में ऐसी गुनगुना दूं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बरात फूलों की। फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात भाई मैं ऐसे उनके लिए गा रहा हूँ, आप लोग के लिए आपको ऐसे मत देखना मुझे। मुकम्मल जहाँ कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आप जी
ऐसा खूबसूरत शेर है अपने आप पे तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो वाह 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 तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो क्या बात वाह निदा साहब भी क्या साल पहले ये इन्होंने शाम को ये तय हुआ कि ये बनाना तो सारी रात ये काम करती रही और नेक्स्ट डे 4 बजे यहाँ तो मुझे याद रहा भूल नहीं सकता कि हमारी भगवान ने किस तरह कितनी मेहनत से वो बहुत कामयाब फंक्शन कराया था बहुत अच्छा फंक्शन बनाया था और ये जो बनाती है और खुद भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं ये पेंटिंग्स इनकी बहुत ज़बरदस्त और इनके लिए दुआ अल्लाह ईश्वर हर तरह से नवाजे दिलों सब मनोकामनाएं पूरी हों दिली दुआएं कबूल हों हर तरह की कामयाबी मिली है और भी कामयाबी मिली सर यादगार फोटो सर यहाँ कैमरे एक मिनट कयान सर बस चलिए गुड वेरी गुड बिंस को नहीं नहीं डोंट डोंट व्हाट विल आई मुझे लेफ्ट टू राइट एक बार मैम ये सर कयाम सर थैंक यू फ्लाइट ड्रॉप कर दो मैम ओके ओ शर्मा शर्मा जी प्रीतम साहब एक मिनट सर कौन सा कयाम सर वहाँ से दो गुलाब निकाल देना मोबाइल 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 क्या बात है यार एक एक बार यहाँ देखते हो सर थोड़ा कैमरा लूँ थोड़ा यहाँ देखिए कैमरा में क्या बात थैंक यू प्रीतम शर्मा साहब हो गया हो गया थैंक यू एक मिनट अरे दादा एक मिनट हाँ मेरा बेटा योगेश योगेश